नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और उन्होंने एक आवेदन कमिश्नर साहब को दिया। उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी एक संवैधानिक पद पर है, इसके बावजूद भी उन्होंने उनके फ्लैट के ऊपर कब्जा कर लिया है। आइए क्या कहते हैं धनंजय। हम लोग माननीय कमिश्नर साहब के पास इसलिए आए हैं कि मेरा और मेरी पत्नी का, श्रीमती श्रद्धा जोशी, जो इस समय एडिशनल SP हैं इंदौर में पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, कल उनसे मेरा पारिवारिक विवाद, जो कि तलाक का केस है, 1.5 साल से कोर्ट में लंबित है ऑलरेडी, और 13 साल से हम शादीशुदा हैं, 3 साल से 4 साल से वो हमारे से अलग रह रही हैं, और पिछले 7-8 महीने से वो इंदौर में हैं, और उससे पहले 2 साल के करीब वो बैतूल में हैं। और अभी आज हम इसलिए आए हैं कि मेरा एक फ्लैट है, टावर नंबर 5, फ्लैट नंबर 306, सागर लेक व्यू होम्स, जहाँ पे बिना बताए मेरे फ्लैट का ताला तोड़ के मैडम ने कब्जा कर लिया है, और वहाँ के TI को उन्होंने लिखित में दिया है कि मेरे उनके उस वाले फ्लैट से, जो कि मेरे नाम पे है, मेरा ताला लगा है, मेरे कैमरे लगे थे, सबको हटा के वहाँ से उन्होंने कंप्लेंट की है कि वहाँ से उनका सोने का सामान और सामान जो है वो चोरी हुआ है। जो व्यक्ति वहाँ पे पोस्टेड कहीं और है और वहाँ रह नहीं रहा है, तो वहाँ पे उसका सामान कैसे हो सकता है? यही चीज़ का हम ज्ञापन देने जो है वो कमिश्नर साहब के पास। सर, क्या कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब ने त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है, हमको आश्वासन दिया। तो उन्होंने क्या थाने वाने में फ़ोन किया कमिश्नर जी? उन्होंने हमारे सामने ही तुरंत फ़ोन किया है और कार्रवाई का इंतज़ार है। इसकी अगली कार्रवाई आप क्या चाहते हैं सर? देखिए, हम ये चाहते हैं कि श्रद्धा जोशी, जो कि अपने रसूख और अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए और उनको सस्पेंड होना चाहिए, ताकि वो इस केस में जो है वो अपने पावर का और रसूख का इस्तेमाल ना कर सके। जो व्यक्ति पुलिस में होके किसी दूसरे के फ्लैट पे, जो उनके नाम का नहीं है, जिस पे कि मेरे माँ बाप का अपने रिटायरमेंट का पैसा लगा हुआ है, जिसकी EMI हम भरते हैं, जिसका सब कुछ हम भरते हैं, उसका वो कैसे कोई जाके हमारे घर का ताला तोड़ के रुक सकता है? जब उन्हें लेना भी तो आपकी प्रॉपर्टी से ले सकते थे, खुद की। बिल्कुल, अगर कोई अधिकार है तो जो पर्सनल मेरी प्रॉपर्टी है उसका लें। उन्होंने मेरी कार, मेरी ज़ाइलो हरे कलर की MP04CC3135, उस पर ऑलरेडी कब्जा करके रखा हुआ है। अभी कोर्ट में भी केस है क्या? जी हाँ, हमारा तलाक का केस जो है वो कोर्ट में भी लंबित है। उन्होंने मेरे पे ऑलरेडी 498 दहेज के जो है प्रताड़ना का केस ऑलरेडी लगाया हुआ है, पिछले 4-5 महीने पहले से। अभी 4-5-6 महीने पहले? हाँ, 3-4 महीने पहले लगाया था। 13 साल शादी के होने के बाद में उनको याद आई कि हमारे और हमारे माँ बाप ने उनसे दहेज लिया। आपकी पारिवारिक जिंदगी किस प्रकार चल रही थी जब आप? अगर अच्छी चलती तो तलाक की नौबत नहीं। सर, 13 साल कैसे हो गए? 13 साल ऐसे हो गए कि साथ ही नहीं रहे। अच्छा। और उससे पहले भी हमारा जो है वो 2 बार तलाक का केस लग चुका था। 1 बार म्यूचुअल में लगा था, जो हमने निकाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने लगाया अपना, जो 2.5 साल रहा, परंतु कारणवश जो है वो मैंने निकाल लिया, क्योंकि वो केस इतना मजबूत नहीं दिख रहा था। उसके बाद ही हम पे 498 का केस लगाया था। अब जाके हमने दोबारा से 3 महीने पहले मैंने दोबारा से एक केस और लगाया। सर, आपका परिवार तो पूरी तरीके से सक्षम है, इसके बावजूद भी दहेज का जो केस लगाया है जी, वो कहाँ तक सच है? देखिए, पुलिस वाली से दहेज लेना तो ये आप भी और सारी दुनिया समझती है कि जो व्यक्ति अपने शादी के टाइम में ऑलरेडी DSP पद पे था, उससे कोई व्यक्ति कैसे दहेज की मांग कर सकता है? और यदि उन्होंने दहेज दिया है तो उनको तो तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अगर उनसे दहेज लिया गया है और उन पर किसी प्रकार की प्रताड़ना हुई, तो वो दूसरों को क्या बचाएंगे फिर? ये तो सबको सोचना चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि वो एक संवैधानिक पद पे होने के बाद भी कानून का गलत उपयोग कर रही है? जी माता जी, आप बताइए। रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिसमें उन्होंने ये बोला है, जिसमें मैंने उनको बोला है यदि आप मेरे फ्लैट में जाएंगी तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई करूंगा, तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बोला है जो कर सकते हो कर। जी माता जी, आज की घटना कह रही है अपना? आज मुझे TI साहब का फ़ोन आया अयोध्या नगर से, और मुझे ये बताया गया कि मैडम जो है वो फ्लैट में गई हैं, और वहाँ पे उन्होंने आवेदन दिया है लिखित में कि उनका कुछ कुछ सामान चोरी हुआ है, और कृपया करके आप आ जाएं और अपना बयान नोट करवाएं यहाँ पे। जब साहब मैंने कुछ लिया ही नहीं, मेरे फ्लैट में वो कब्जा करके बैठी, तो मैं वहाँ जाके क्या बयान उनको दूँ?
और 3 साल जो देना है वो कोर्ट में देना है। जब मैं रह रहा हूँ फ्लैट में, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को दो दो तीन तीन जगह मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं उस फ्लैट में रुकता हूँ, कभी रुकता हूँ कभी नहीं रुकता हूँ, क्योंकि मेरा समय वैसा रहता है ना। तो उस चीज़ में जो है कोई भी आके बिना किसी को बताए कैसे घुस सकता है? मेरा सामान वहाँ पे पड़ा है, मैं गया नहीं, हो सकता है मेरा सामान चोरी हुआ वहाँ से, सब संभावना। अब हम उनकी पत्नी का ऑडियो आपको सुनाते हैं कि श्रद्धा जोशी उन्होंने क्या कहा इनके बारे में, सुनते हैं। मेरी भर्ती, मैंने कोई फ्लैट पे कब्जा नहीं करा, मेरी भर्ती ड्यूटी लगी हुई है। हाँ। मैं 6 तारीख से यहाँ पर हूँ। अच्छा, 6 तारीख से मैं कहाँ पर हूँ? भोपाल में हूँ। मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ? ऑफिसर मैस में। हाँ। मेरे को कब्जा करना होता तो मैं 6 तारीख को जाती ताला तोड़ती जी। है ना? बिल्कुल। और मेरी भर्ती ड्यूटी कितने महीने के लिए लगी? 1 महीने के लिए। एक महीने के लिए मेरे बच्चे अकेले नहीं है, 16 है ना? पहली बात। दूसरी बात है कि मेरे बच्चे आए हैं 3 दिन बाद, मतलब कि 9 तारीख की रात को। 9 तारीख की रात को 8 बजे मेरे बच्चे आते हैं और मैं धनंजय मिश्रा को बोलती हूँ कि काइंडली आप ताला खोलिए, उसको जाना है, मेरे पास चाबी नहीं है। तो मेरा नंबर ब्लॉक कर देते हैं और मेरा फोन काट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँगी? बच्चे रात को खड़े हैं, मेरे 80 साल के माँ बाप दरवाजे के बाहर खड़े हैं, मेरे को होटल में रुकाना पड़ा है। आप बताओ, मैं तो लीगल वाइफ हूँ ना, और ये एक बार नहीं, ऐसी स्थिति कई बार की है। अच्छा, है ना? अच्छा, आपका अफेयर कहीं और है, गोरी रिजॉर्ट में जाके आप महिला के साथ रंगोलियां मनाते हैं, है ना? आप मेरे को मानसिक प्रताड़ित करते हैं, मुझसे पैसे की डिमांड करते हैं, राइफल का लाइसेंस बनाने पर मुझ पर प्रेशर डालते हैं, है ना, कि आप तो इसमें मेरा राइफल का लाइसेंस बनाओ, मुझे ये करो वो करो, इतना आप करते हैं। और उसके बाद जब मेरी ड्यूटी है जेन्युइनली, और मैं 2019 से मैं सतत रूप से यहाँ रह रही हूँ सागर एक्टिव होम में, है ना, मेरा पूरा सामान गायब कर दिया है इन्होंने, मेरा जितने कपड़े साड़ी सब कुछ सारा पूरा गायब कर दिया। और आप नहीं चाहे तो आप वहाँ के जो ऑनर है उनसे या किसी से भी आप वहाँ बात कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन रह रहा है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर।